2017 में जब बेन स्टोक्स इंग्लैंड के एक बार में ड्रंकन फाइट में जुड़ गए थे तो उसकी खबर क्रिकेट कम्युनिटी में वायरल हो गई थी। कई दिनों तक स्टोक्स के बिहेवियर और क्रिकेटर्स के ऑफ फील्ड एक्टिविटीज पर बातें चली। क्रिकेटर्स और अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई नई बात नहीं है। लेजेंडरी गैरी सोबर्स से लेकर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रिकी पोंटिंग के जैसे कई हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स अपने करियर में अल्कोहलिज्म से जूझते रहे। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल लम्हों के बारे में बात करेंगे जहां क्रिकेटर्स ने नशों के चक्कर में हदें पार कर दी। नंबर 5 पे मोंटी पानेसर। 2013 में इंग्लैंड के मोंटी पानेसर को ड्रंकन स्टेट में ब्राइटन के नाइट क्लब बाउंसर्स पर पेशाब करते हुए पाया गया। इस कारण उन्हें अरेस्ट किया गया। ड्रंक और डिसऑर्डरली बिहेवियर के लिए चार्ज भी किया गया। मोंटी जो अपने धर्म को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद सभी से माफी भी मांगी। नंबर 4, जेम्स फॉकनर। 2015 का साल जेम्स फॉकनर के करियर में इवेंटफुल था। उस साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतने में मदद की और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहे। लेकिन उसी साल फॉकनर ने अपने करियर के रॉक बॉटम को भी हिट किया। लैंकशायर के लिए क्रिकेट काउंटी खेलते वक्त फॉकनर ने अपनी गाड़ी को क्रैश कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फॉकनर नशे में थे। फॉकनर को ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने 4 मैचों के लिए सस्पेंड किया और ऑफिशियल वार्निंग भी दी। नंबर 3, बेन स्टोक्स। 2017 में ब्रिस्टल के एक बार फाइट में बेन स्टोक्स और टीममेट एलेक्स हेल्स उलझ गए थे। उन्हें बार के बाहर दो लोगों को घूंसा मारते हुए पाया गया। स्टोक्स और हेल्स दोनों ही इसी कारण सस्पेंड किए गए। नंबर 2, जेसी राइडर। 2009 और 10 में इंडिया के खिलाफ जब जेसी राइडर ने ब्रेक थ्रू किया तब सभी को लगा कि वो क्रिकेट के नए बैटिंग सेंसेशन बनेंगे। लेकिन 10 साल के अंदर अल्कोहलिज्म के कारण उनका करियर एनोनिमस बनकर रह गया। 2013 में क्राइस्टचर्च के बार के बाहर कई लोगों ने जेसी राइडर पर हमला किया। राइडर अल्कोहलिज्म से जूझते रहे और अक्सर मैच के पहले देर रात तक ड्रिंक करते हुए पाए गए। नंबर 1, रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग इस लिस्ट में सबसे फेमस और आइकॉनिक नाम है। 1998 में इंडिया के टूर के दौरान पोंटिंग को कोलकाता के इक्विनॉक्स क्लब से निकाला गया। कपल्स नाइट होने के कारण जब पोंटिंग को ड्रिंक रिफ्यूज किया गया तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ लड़ाई में जुड़ गए और वहां के बाउंसर ने उन्हें घूंसा मारा। ब्लैक आई के साथ रिकी पोंटिंग को एक फोटोग्राफर ने कैप्चर किया और इस इंसिडेंट के कारण उनका करियर भी दांव पर लग गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोंटिंग ने फाइनली एडमिट किया कि वो अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर करते हैं